चैप्टर टू बता रहा हूँ मैं, क्लास नाइन्थ का 2.4 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। अभी तो खैर काफ़ी टाइम है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ एक्स माइनस वन इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स। देखो एक्स माइनस वन इसका पी एक्स का फैक्टर है भाई। जब कोई वैल्यू किसी वैल्यू, जैसे मैं कहूँ कि 20 का फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ 2 से अगर मैं 20 में डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, समझ गया ना। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, देखिए सॉल्व। गिवन है हमें, गिवन क्या है, एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। जब एक्स माइनस वन पी एक्स का फैक्टर है तब क्या होगा, देन तब ये होगा कि p, अब यह माइनस है तो इसका अपोजिट हो जाता है, p यानी प्लस के वन अगर रखेंगे तो इक्वल टू 0 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है, जिनको नहीं समझ में आ रही तो ऐसे समझ लो x माइनस वन है, x माइनस वन है, x माइनस वन है इक्वल टू 0 लेंगे, 1 को उधर ट्रांसफर कर दो तो वह x की वैल्यू 1 आ रही है, इसीलिए x की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ, x की जगह पे पी एक्स लिखा है, x की जगह 1 रखेंगे तो 0 आना चाहिए। 0 इसलिए आना चाहिए क्योंकि वो उसका फैक्टर है, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, पी एक्स की जगह पे क्या है, एक्स यहाँ पे लिखा है, जहाँ पे एक्स लिखा है वहाँ पे क्या रख देंगे, वन, और इक्वल टू 0 रहेगा तो यहाँ पे क्या रख देंगे, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। बात समझ ना, ठीक है। पी 1 का मतलब जहाँ पे ये पी एक्स जो है ये पूरा, इसमें 1 रखेंगे जहाँ पे एक्स लिखा है वहाँ, और इक्वल टू ये 0। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 1 वन जहाँ 1 होता है, प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 प्लस के इक्वल टू 0, 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, के इक्वल टू माइनस के 2 आ जाएंगे, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, फिर आगे बताता हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें 4 क्वेश्चन है, जिसमें से एक बता दिया, दूसरा और तीसरा ये रहा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें इसका, तो हम क्या वही लिखना है हमें सॉल्व में। गिवन हमारे पास क्या गिवन है, एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो फैक्टर है पी एक्स का तो क्या होगा, देन तब होगा पी वन, माइनस वन है तो यहाँ प्लस वन रखेंगे, इक्वल टू 0 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे एक्स लिखा है वहाँ पे क्या रखेंगे, 1, तो देखो 2 एक्स ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, फिर प्लस के एक्स ये 1 आएगा और प्लस रूट टू इक्वल टू यहाँ 0 आ जाएगा, इस तरह लिखना आप। अब देखो सॉल्व करो, 2 1 बन जा 1 ही रहेगा, प्लस के का 1 में इंटू करेंगे के रहेगा, प्लस रूट टू इक्वल टू 0, 2 बन जा 2 प्लस के प्लस रूट टू इक्वल टू 0। देखो 2 को उधर पहुँचा दो, रूट टू को उधर पहुँचा दो, के की तो वैल्यू पता करनी है तो इन दोनों को उधर पहुँचा दिया, तो के इजकल टू ये वाला माइनस का 2 हो जाएगा और रूट टू भी माइनस का रूट टू हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो माइनस कॉमन ले लो या फिर यही आंसर होगा, देख लेना जो भी आंसर दिया, माइनस कॉमन ले लोगे तो 2 प्लस रूट टू हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, या तो ये आंसर होगा या ये होगा, देख लेना। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें भी हमको ये लिखना है, एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन इतना यही लाइन यहाँ पर लिख देना पूरी, उसके बाद लिख देना देन पी वन इक्वल टू 0, तो पी यहाँ पर वन रखो एक्स ये पे, तो देखो के यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर, फिर माइनस रूट टू एक्स ये क्या आएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, के बन जा के, सीधे मैं के लिख देता हूँ, समझ जाओगे ना, फिर रूट टू का 1 में इंटू करेंगे तो रूट टू ही रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, प्लस 1 इक्वल टू 0, इन दोनों को उधर पहुँचा दो तो के इजकल टू रूट टू जो है वो प्लस का हो जाएगा और माइनस का बन हो जाएगा, इसके चिन्ह बदल जाएंगे, यही आंसर है आपका, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और इसमें बचा है, इसको भी लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और है, ये भी लिख लीजिए आप, इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, पी एक्स इजकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। इसमें भी हमें सॉल्यूशन इस तरह करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लैंग्वेज आपको यही लिखनी है और आप लिख देना सीधे पी वन इक्वल टू 0, तो पी वन यहाँ पर 1 रखना है एक्स ये हमें सब जगह, तो के एक्स ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3
इंटू वन प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो के ये वन ही हो जाएगा, वन वन जा वन और के बन जा के, माइनस थ्री बन जा थ्री प्लस के इक्वल टू ज़ीरो, के और के क्या हो जाएगा टू के, माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, थ्री को उधर ट्रांसफ़र कर दो। तो यहाँ लिख देता हूँ बाकी का मैं, तो यहाँ आ जाएगा टू के इक्वल टू माइनस थ्री है तो क्या हो जाएगा प्लस के थ्री, के इक्वल टू आ जाएगा थ्री अपॉन, ये टू थोड़ा सही से बना दूँगा, टू थ्री अपॉन टू, के की वैल्यू आ गई थ्री अपॉन टू आंसर। तो ये आपके चारों सवाल कवर हो गए, नोट कर लें आप।